मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाइनोमो में ट्रेडिंग करेंगे और 100 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल ड्रॉ करेंगे। तो मार्केट का फिलहाल के दौर में एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मैं बॉडी टू बॉडी भी लेबल ड्रॉ करूँगा और इसका रिजेक्शन पॉइंट जो है वो भी ड्रॉ करूँगा। तो ठीक है, देखते हैं। ये मार्केट का भी फिलहाल के दौर में एक सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट अभी बिना इसके टच करे ही ऊपर चला गया। और यहाँ पर एक 5 सेकंड में अगर आप गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 5 सेकंड में एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट अभी। तो ठीक है, मैं यहाँ से सेल साइड जाऊँगा। थोड़ी सी लेट एंट्री होगी, बाकी कोई बात नहीं है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ मैंने 5 सेकंड में यहाँ पर क्या देखा। देखिए, यहाँ पर मार्केट का ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 5 सेकंड में मार्केट यहाँ से गिरा है। और 2 मिनट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट का एक हेड और शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये शोल्डर है, ये हेड, और मार्केट का भी एक और शोल्डर बनने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट की जो नीचे की जो लेक लाइन है वो भी ब्रेक हो सकती है और मार्केट ईजिली नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ पर। तो मैंने 5 सेकंड में ये देखा। तो बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि आप 5 सेकंड में क्या देखते हो। तो 5 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी जैसे कि मैंने इसमें देखी, यहाँ पर वही देखिए, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का 5 सेकंड में पूरा पैटर्न बना है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होती है 5 सेकंड में, सब बहुत सारी चीज़ें भी देखना पड़ती है। ज़्यादातर कोशिश ये करें कि 1 मिनट में एनालिसिस करें मार्केट को, फिर 5 सेकंड में इस टाइप की कुछ कन्फर्मेशन मिले, जैसे मैंने कि अभी बताई थी आपको ड्रॉ करके, ऐसी कुछ कन्फर्मेशन मिले तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। और अच्छी, मतलब जैसे सेल साइड जाना है तो रेड की कैंडल, हेल्दी कैंडल मिल जाए तो वो बेस्ट है। ओके, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मार्केट का एक बायर्स का एरिया है इस जगह पर, तो वेट करते हैं, आराम से ट्रेड लेंगे। जहाँ कंफर्म लगेगा वहीं पे ट्रेड लेंगे। वीडियो लंबी भी हो सकती है, बाकी आप कोशिश करें जब भी आप फ्री रहे जब देखो वीडियो, लेकिन पूरी देखने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ जो ट्रेड, जो चीज़ देख के ट्रेड ले रहा हूँ वो सब बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने एक ऊपर का एक रेसिस्टेंस का एरिया ड्रॉ करा है, ये सेलर का एरिया। यहाँ से देखिए, आप अगर आप देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहे थे, और प्रीवियसली अगर आप देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा प्रीवियसली, तो यहाँ से बॉडी से भी मतलब मार्केट टच होकर भी गिरा हुआ था। तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस एरिया है मार्केट का फिलहाल के दौर में। तो इस एरिया पर अभी बायर जो है वो वीक हो चुके हैं, ठीक है, देखते हैं, और जहाँ कन्फर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर एक बाय की एंट्री मिल तो सकती है, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो एंट्री होगी, क्योंकि इस एरिया पे बायर्स वीक तो है, लेकिन यहाँ से देखिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, माइनर ट्रेंड जो चल रहा है वो अप चल रहा है, तो उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए था। बाकी वहाँ पर मार्केट नहीं आया तो कोई बात नहीं, आराम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आराम से ट्रेड लेंगे। जहाँ कन्फर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर तो आए हैं, और ये जो एरिया है नीचे का वो बायर्स का एरिया है। मार्केट उस एरिया को थोड़ा नीचे नहीं आया, अगर उसके नीचे आ जाता तो हमें बाई की एंट्री इजीली मिल जाती, लेकिन मार्केट उसके नीचे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते हैं यह कैंडल क्लोज हो जाए, आराम से ट्रेड लेंगे, भले से टाइम लग जाएगा, लेकिन कंफर्म ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए मार्केट जो ये ऊपर और नीचे वाला एरिया आप देखेंगे, तो मार्केट का इस दोनों के एरिया के बीच में ही घुस चल रहा है। तो मार्केट यहाँ से भी 10-15 मिनट के लिए साइडवे चल रहा है। ओके, तो ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो ईजिली एक सेल की एंट्री मिलेगी। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ से सेल की ले ली है एंट्री, क्योंकि यहाँ पर मैं कंफर्म हूँ। देखिए, मार्केट हिस्ट्री ही रिपीट करता है। अगर यहाँ पे देखिए, ये मार्केट का एक रेसिस्टेंस एरिया आपको पता ही है, देखिए ना, यहाँ से अच्छे खासे रिजेक्शन आए, और ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, प्रीवियसली देखिए, इस एरिया पे देखिए, मार्केट यहाँ पर एक मतलब यहीं पे घूम रहा था, इस जगह पे घूम रहा था। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट फिर से वही हिस्ट्री यहाँ पर रिपीट कर सकता है। तो ये सब देख के मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल के अंदर ही अप डाउन हो रहा था। तो मार्केट इसलिए यहाँ पर भी चांसेस है कि यहाँ पर भी मार्केट इस लेवल के बीच में भी वापस से आने घूमने लग जाए। तो ये सब देख के मैंने सेल का ट्रेड लिया, लेकिन
कोशिश ये करना कि मार्केट को जितना ऊपर तक चला जाए, कैंडल जितनी ऊपर तक चली जाए उतनी ऊपर से ट्रेड लेने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से इसके लेवल के अंदर ही चलने वाला है। ओके, तो हमारा जो सेकंड ट्रेड था वो भी विन हो चुका है। ओके, तो देखते हैं एक लास्ट ट्रेड बचा है। देखिए हमें इतनी देर बाद ट्रेड मिला, कम से कम 3-4 मिनट और ज़्यादा हो गया होगा शायद तक, इतनी देर बाद ट्रेड मिला लेकिन एक कंफर्म ट्रेड मिला। तो इसी तरह से वेट करके पेशेंट के साथ आराम के साथ ट्रेड करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है वापस से रेड ग्रीन पैटर्न बना दे, लेकिन मार्केट नीचे जो उसका सपोर्ट एरिया वहाँ पर नहीं आया था। अगर वहाँ पर आता तो मैं कन्फर्म एक ट्रेड और लेता यहाँ पर बाय का। ओके, आराम से ट्रेड लेंगे। जहाँ ज़्यादा लॉजिक मिले, जहाँ पर ज़्यादा मतलब बाय करने के लिए ज़्यादा पॉइंट मिले तो वही ट्रेड अपनों को लेना है। जहाँ मतलब ज़्यादा लॉजिक मिले कि इतने सारे लॉजिक मिल रहे हैं तो इसलिए हम बाय कर रहे हैं, तो वो सब मिलाने के बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करा करो। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है और मतलब यहाँ सपोर्ट का एरिया है और सेलर का एरिया और भी नीचे है तो यहाँ से बाय कर सकते हो, तो ऐसे पॉइंट पकड़ने के बाद ट्रेड करा करो जहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट मिले। तो देखिए यहाँ से एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, थोड़ा उस रिजेक्शन पॉइंट पर जाएगा तो अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेल का ट्रेड ले लिया है और आपको पता ही है क्या काय के लिए मैंने ये ट्रेड लिया है, इसलिए मैंने वो ऊपर जो रिजेक्शन पॉइंट था वहाँ से मैंने ट्रेड लिया है। क्योंकि ये पता है, देखिए यहाँ पर मार्केट का एक सेलर और एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पर मार्केट इसके बीच में घूम रहा, और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा था हमें, तो इसलिए जितने पॉइंट मिल सके उस हिसाब से पॉइंट मिलाने के बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या देख के मैंने ट्रेड लिया। और कल से मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक ट्रेड आप खुद कमेंट करके जो जो चीज़ें मैंने जो जो ट्रेड सोच के ट्रेड लिया वो आप बताना। कल से मैं दो ट्रेड के बारे में बताऊँगा कि दो ट्रेड मैंने क्यों क्या देख के लिए है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री अच्छी थी तो इसलिए विन हो चुका था। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पे वो मैंने उसमें खोल रखा तो यहाँ पर पैसा रिफ्रेश हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये रियल डेमो, ठीक है, और मैं आप पेज अप डाउन करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बंदा बोल रहा था कि रुपी का निशान नहीं दिखता, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर रुपी का निशान भी दिख रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। नीचे टेलीग्राम का पेज भी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।